मेरा नाम इजाज कैनी है और मैं गंधारा रिसोर्स सेंटर टेक्सला का पैट्रन हूं। इस अदारे को हमने तकरीबन 3 साल पहले उस वक्त शुरू किया जब मैंने यहां पर अपनी रिहाइश अख्तियार की। गंधारा एक बहुत कीमती तहजीब है हमारी, तो इसके ऊपर मुझे एहसास हुआ कि ज्यादा काम नहीं हो रहा। इसकी हिस्ट्री भी प्रमोशन नहीं हो रही, इसकी आर्ट की प्रमोशन नहीं हो रही, इसके आर्टिजन्स के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं हो रही। इस अदारे की फिर शुरुआत हमने इन्हीं जज्बात को सामने रखते हुए की कि हम यहां पर वो सारे वसाइल क्रिएट कर सकेंगे जिसमें पाकिस्तानियों और जो मुल्क से बाहर रहने वाले और कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी टेक्सला और गंधारा तक रसाई हासिल हो सके। गंधारा एक बहुत बड़ा रीजन था जो कि आज से कोई 2500-3000 साल पहले यहां पर अपने अरूज पे था। महात्मा बुद्ध ने अपने बारे में ये कभी नहीं कहा था कि भाई उसकी कोई स्कल्पचर या उसके बुद्ध जो है वो बनाया जाए, और वो ये चाहते थे कि जो उनकी तालीमात थी वो लोगों तक पहुंचे, और वो अपनी इबादत नहीं करवाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सख्ती से मना किया था कि उनकी कोई बुद्ध ना बने। ये जब ग्रीक आए यहां पर तो ग्रीक अपने साथ बुद्ध साजी की एक बड़ी स्ट्रांग ट्रेडिशन लेके आए, तो उन्होंने फिर पहली दफा यहां पर आके बुद्ध के मुजस्मे वो बनाने शुरू किए। कल्चरली ये जो गंधारा आर्ट जैसे आप कहिए तो इसमें महात्मा बुद्ध की जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है वो इन्हीं मुजस्मों की शक्ल में, जिसे जातकाज कहा जाता है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, वही फिर जो मुजस्मा साज थे फिर वो हर तरह का और भी काम करने लगे, जिसमें जरूफ साजी और टेराकोटा जो कि इसकी एक अर्दन वेयर की एक फॉर्म है उसके अंदर बहुत सा काम करते रहे। जो गंधारा आर्ट है इसमें ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज अगर आप हमारा जो यहां पर टेक्सला में बाजार है वहां आप जाइए तो आपको अब क्या मिलेगा? अब वहां पर आपको हमारे जो आर्टिजन है वो लंगड़िया बनाते हुए मिलेंगे, फिर यहां से फाउंटेन्स, कब्रों की बहुत बड़ी एक यहां पर है, कब्रों के ऊपर जो वो पत्थर से काम करते हैं। अलियास मोहम्मद खान मेरा नाम है और मैं गुज़श्ता कोई 30-35 साल से मैं एज ए आर्टिस्ट गंधारा आर्ट पे काम करता हूँ और गंधारा आर्ट बनाता हूँ। गंधारा आर्ट की देखें जी 2500-3000 साल पुरानी है इसकी और बड़ी रिच हिस्ट्री है इसकी, और ये मुख्तसरन मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इसकी बस बुद्धा की पैदाइश हुई, फिर यानी कि डेथ और बर्न तक, तो वो जिस तरह रिलीफ वर्क में फिर उसकी स्टोरीज आती हैं बस उसी तरह हम भी बना रहे हैं। बस वो पुराना देख के कई दफ़ा म्यूजियम में जाके किसी चीज़ की अगर इतनी समझ नहीं आती तो कई दफ़ा अगर वो म्यूजियम में अवेलेबल हो एंटीक्स तो म्यूजियम में जाके वो चीज़ वो आइडिया बस आइडिया पिक करते हैं, जहाँ से ही मिल जाए तो वहाँ से हम पिक करके तो अपना रिलीफ वर्क में अपना इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट लेना होता है पत्थर से ही, तो एक तो ये पत्थर जो हैं ये जिस पे हम स्कल्पचर्स वगैरह गंधारा आर्ट के बनाते हैं या जो पुराने भी गंधारा आर्ट जिनमें बना है वो कोई आम पत्थर नहीं है, और वो पंजाब में सिंध में बलूचिस्तान में वो आपको नहीं मिलेगा। वो केपी के में जो पुराना ट्राइबल एरिया था वहाँ पे वो पत्थर की यही समझ लें कि तकरीबन एक ही पहाड़ी है, तो वहां से ये पत्थर हम लाते हैं और फिर वहां पे भी हम जाके तो क्योंकि सारे उसमें कोई सख्त होते हैं कोई नरम होते हैं तो वहां पे हम सिलेक्ट करते हैं पत्थर, उन पहाड़ों में जाके एक एक पत्थर को सिलेक्ट करते हैं, फिर वहां पे कोई यानी एक आदमी का काम नहीं है, मशीनरी उसमें दरकार होती है। यानी कि आप ये कहें कि ये पत्थर जब हमें यहां पे टेक्सला में तकरीबन ये कुछ 1.5 लाख का हमें ट्रक सिर्फ पत्थर का रॉ मटेरियल है उसमें, यानी कि कटर वटर की है, कटिंग वटिंग नहीं होती जो हम अपनी मर्जी से फिर यहाँ पे करवाते हैं, ये भी नहीं कि ट्रक ऊपर तक भरा हुआ, यानी 2-3 फीट के 4-4 फीट के इस तरह के 10-15 पत्थर ही होते हैं। आप गंधारा आर्टिस्ट को तो आप टेक्सला में ढूंढने से ढूंढने ये आपको सड़क के किनारे पे वर्कशॉपिंग की कहीं भी नजर नहीं आएगी। वाह देख मैं आदमी हूँ इतने आर्टिजन में से कि मेरी सड़क के किनारे पे अभी वो सड़क बनने की वजह से मैं यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया,
वरना दोबारा मैं दुकान पे वहाँ पे सड़क के किनारे पे, वही मेरी पक्की और मेरी पहचान वही है मेरी। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और स्टोन कार्वर आप मुझे कह सकते हैं, पत्थर से रिलेटेड कोई भी काम हो मैं करता हूँ। एक जो मेन हर्डल है यहाँ पाकिस्तान से, मैं स्पेशली गंदारा कल्चर्स की बात करूँगा कि गवर्नमेंट ने अभी तक इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है कि आप इसको, यानी एक बैन आइटम है जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। वो एंटीक्विटी लॉ, वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह बनाना शुरू कर देंगे तो हमारे म्यूजियम कौन देखने आएगा। हालांकि मैं समझता हूँ ये गलत बात है, जो जेन्युइन है वो है, उसको देखने के लिए दुनिया आएगी। रेप्लिका तो रेप्लिका है। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमसे परचेज करके उसको एंटीक शेप दे के बाहर जाके बेचते हैं। वो कहते हैं मुल्क की बदनामी होती है, आप हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खैर काफ़ी डिबेटेबल बातें हैं जो मेरे ख्याल में अभी काफ़ी आगे चलेंगी। स्ट्रगल जारी है, उम्मीद है कुछ वो हमारी समझ जाएंगे, कुछ हम उनकी भी समझ जाएंगे। टेक्सला में जो टेक्सला के पत्थर से और इसी तरह के हमारे जो मुख्तलिफ यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं उनसे जो काम कर रहे हैं, तो अमूमी तौर पर ये बेचारे काफी इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। इसमें एक ऐसे भी है जो कि डेली वेज अर्नर्स हैं, जो कि दिहाड़ीदार मजदूर हैं, हालांकि आर्टिजन्स हैं लेकिन दिहाड़ीदार है। और इसमें से ऐसे भी हैं जो कि जिनके लिए ये काम करते हैं, उनसे इन्होंने पैसे लिए होते हैं, उधार लिया होते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ औकात में, तो इनकी अर्निंग्स बहुत कम हो जाती हैं और इनके पास चॉइस नहीं होती कि ये किसी और के पास जाएं। तो आर्टिजन जो है इस वक्त खासे मुश्किलात में है। पत्थर से जो उड़ने वाली गर्द वो इनके फेफड़ों में और जनरली सेहत के लिए बहुत खराब है और माली हालात भी खराब है, तो इसलिए इनकी सेहतें हमेशा खराब रहती। हमारे जो आर्टिजन हैं जो सुबह आके बैठते हैं तो शाम तक उसी पोस्चर में बैठे रहते हैं, उसमें बहुत सारे मसाइल उनके साथ पेश आते हैं। यानी ये एक दिन का काम नहीं है, यानी वो बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापा भी उसी एक पोस्चर में बैठे बैठे गुजर जाता है। तो उसमें उनके हड्डियों के मसाइल, जोड़ों के मसाइल, उनकी सुनने की सलाहियत, ये सारी मुतासर होती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि उनकी हेल्थ इश्यूज से लेकर काफी काम करने की जरूरत है। सरकारी तौर पर एक यहां पर गंधारा आर्टिजन विलेज बना है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। गंधारा आर्ट विलेज को आगे चलाने के लिए, वहां बायर्स को लाने के लिए, इन आर्टिजन्स को वहां ले जाने के लिए, उसको एक फंक्शनल अदारे में कन्वर्ट करने में गंधारा रिसोर्स सेंटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वहां आर्टिजन्स को प्रमोट कर रहे हैं कि वहां जाएं, वहां लोगों को लेके आ रहे हैं, वहां इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। ये तकरीबन 2016 में ये जगह खरीदी गई थी 25 कनाल की, ये जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। 21 वर्कशॉप जो ना जी डिजाइन की गई थी, 21 वर्कशॉप बनानी है, 21 वर्कशॉप है। 21 वर्कशॉप के साथ जो ना जी 3 फेस मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ है, सिर्फ 3000 रेंट पे जो ना जी हमने उनको ये 5 बर्ली की वर्कशॉप हर आर्टिजन को हमने अलाट किया। इसके लिए हम आर्टिजन के जो जिस जगह पे ये लोग स्ट्रीट के ऊपर ही बैठ के ज्यादातर काम करने वाले ये लोग थे, उनके पास जाकर जो ना जी हम कम अज कम इनको तैयार करते थे जी कि आए हम आपकी जिंदगी में ये एक तब्दीली लाने आ रहे हैं, ये आप लोगों की नसरों का फायदा है, आप जो ना अपने इस काम के वैल्यूज को समझें। ये पहले भी ये काम करते थे मुख्तलिफ जो ना जी हमारे एरियाज के अंदर जो ना जी दरख्तों के नीचे स्ट्रीट के ऊपर बैठकर जो ना ये बेचारे काम करते थे, अब तो एक उनके शेल्टर मिल गए। अभी यहां आए दिन जो ना जी मुख्तलिफ एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स हैं वो आते हैं, वो आके जो ना जी हमें अपने आइडियाज भी देते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं।
यहाँ पे जी एक गंधारा आर्ट विलेज के नाम से एक बना है, शायद आपने विजिट भी किया हो। नाम देखें, गंधारा आर्ट विलेज, और गेट के अंदर आप घुस जाए तो आपको एक भी गंधारा की चीज वहां पे नजर नहीं आएगी। बस किसी टूरिस्ट को अट्रैक्शन देने के लिए उन्होंने गंधारा का नाम पिक करके तो वहां पे लगे। अंदर बन क्या रहे, कब्रें बन रही हैं, फाउंटेन बन रहे हैं, बस ये दो चीजें ज्यादातर वहां पे बन रही है, या वो खराद की मशीन पे नगरियां बन रही हैं। बकाया वहां पे आर्ट नाम की आपको कुछ चीज ही नहीं नजर आएगी। ये और मैं कहता हूँ कि ये कोई आर्ट भी नहीं है, ठीक है, लोगों के लिए होगा, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए तो आर्ट ही होगा, लेकिन टेक्सला वाले तो उसको आर्ट मानते ही नहीं। लेकिन असल में वो गंधारा आर्ट विलेज जो है वो आर्टिजन के लिए है भी नहीं। ये मैं आई एम सॉरी टू से कि वो आर्टिस्ट के लिए गंधारा आर्ट विलेज नहीं बना, वो उसका कुछ और मकसद है, किसी और मकसद के लिए बने हैं, ठीक है, उन्होंने बीच में से घुसा दिए। कितने मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए उसको बने बनाए, 21 वर्कशॉप हैं उसकी। फर्स्ट बैलेटिंग जब इसकी हुई बनने के बाद, मैं वायद आर्टिस्ट था कि मैं अकेला 2 महीने तक मैं अकेला बैठा रहा वहां पे। 21 वर्कशॉपें थी, एक में मैं होता था 20 के 20। हालांकि बैलेटिंग भी हो गई थी लेकिन लोग नहीं जा रहे थे वहां पे, क्यों, लोग समझ गए थे, वो कहते थे जी कि ये हमें उल्टा रोजगार देने के बजाय हमें हमारा रोजगार ये छीन रहे हैं। सड़क के किनारे पे हमारी दुकानें हैं, वहां पे हमारी दुकानदारी है, हमारी सेल वहां पे, यहाँ पे तो कोई गधा भी नहीं आता, कौन आएगा जी इतना, जहां जिसके पास अपनी जाति कन्वेंस आएगी वो ही जाएगा। तो आर्टिज़न टेक्सला में है, पैदा भी हो सकते हैं, करने वाले जो यहां के लोकल लोग हैं वो उन्होंने दबाया हुआ है। अब एक बंदा जो है वो 2000 रुपए का एक काम करके देता था, अब वही मशीन जो है एक CNC मशीन है वो आपको 500 रुपए में करके दे रही है, और वो बंदा अगर 2 दिन लगाता था तो CNC मशीन आपको 2 घंटे में करके दे रही है। इस वजह से भी लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, यानी मॉडर्न मशीनरी के इस्तेमाल से। मतलब 5 बंदों का काम अगर एक ही मशीन एक दिन में कर दे तो किसी को क्या जरूरत है कि वो 5 बंदों को अपने सर पे भी बिठाए, खिलाए पिलाए भी हो। मशीन के इस्तेमाल से वो उससे अच्छा रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी ले लेता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में मजीद काम होगा ये लोगों का इस काम में इस्तेमाल, क्योंकि CNC ऐसी मशीनें जो बात जारी हैं, अगर इस लेवल तक आ गए तो और बेहतर भी होंगी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि एक वक्त आएगा कि ये मशीनें मुजस्मे भी बनाएंगी, हम सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के उसको देखेंगे, ऑपरेट करेंगे, एक बंदा बैठ के। इस लेवल पे वो काम आने वाला है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है इसमें, हमारे जैसे जो अदारे हैं, जो कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं, वो भी अब सामने आ रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश और हमारी उम्मीद तो यही है कि इस होनी को हम टाल सके, और जो लगता था कि भाई इस आर्ट फॉर्म की अब शायद आखिर हो रही है तो उसको हम रोक सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि गंधारा रिसोर्स सेंटर और गवर्नमेंट के साथ और भी लोग शामिल हों। हम अपने तय जो हमारे जो बस में है वो हम कर रहे हैं, और लोगों को भी शामिल होना चाहिए। आम जो सिटीजन है जो हमें सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, इन सबको चाहिए कि यहाँ गंधारा आर्ट विलेज आए, यहाँ डिबियां देखें, यहाँ की जगह देखें, इनकी आर्ट को देखें, इसको अप्रिशिएट करें, और ये दुनिया की बहुत यूनिक 3 आर्ट फॉर्म्स में एक आर्ट फॉर्म है और बहुत खूबसूरत काम करने वाले लोग हैं ये, तो इनको वैल्यू करें। और आर्ट को अप्रिशिएट करने का और आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी आर्ट को खरीदें। हम सबको ये काम करने की जरूरत है। अगर यानी खुदा न खास्ता हमारे काम नाकाम हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, या हम नहीं कर पाते, हम ये एफर्ट सारा यानी शुरू ही नहीं कर पाते, तो ये एक हमारा तारीख के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमने एक अपने विरसे को, जो इतना कीमती विरसा है, अगर उसको नहीं संभाला
तो हमारे बच्चों का नुकसान है। हमारे आने वाली नस्लों का अगर ये तारीख उन तक नहीं पहुंचेगी तो उन तक वो सारी वो इल्म उसमें से कशीद हो सकने वाली विजडम थी वो विजडम भी उन तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिससे उनको बचाना ये आज हमारी इस नस्ल का ये फर्ज है, उनकी ड्यूटी है कि वो इसको अदा करें। और हम अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आएं।